अमेरिका में 14 साल के बच्चे का केस अदालत में आया। जुर्म क्या था? बच्चे ने एक पैकेट ब्रेड चोरी की। कोर्ट में विरोधी पक्ष के वकील ने जिरह की, बड़ी सजा मिलनी चाहिए, बड़ी सजा नहीं मिली तो कल ये बड़ा अपराध करेगा। लोगों ने तालियां बजाकर कहा, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। जज ने बच्चे से पूछना शुरू किया, क्या चोरी किया तुमने? उसने जवाब दिया, सर ब्रेड का पैकेट चोरी किया। जज ने कहा, चोरी करने की क्या जरूरत थी? बहुत भूख लग रही थी, भूख लग रही थी तो घर जाके खा लेते। घर में मां बीमार है सर, बहुत बीमार, और मां भी भूखी थी, मां को खिलाना था। काम वाम क्यों नहीं करते? तुम तो स्वस्थ नजर आते हो, काम करना चाहिए। पूरी दुनिया में देखो, बच्चे काम करते हैं अलग अलग तरीके के। सर काम करता था, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मम्मी को एक दिन अचानक इमरजेंसी आ गई और उस दिन मुझे घर पर रुकना पड़ गया और मुझे जॉब से निकाल दिया गया। मैंने मालिक को समझाने की बहुत कोशिश की, उन्होंने मेरी बात नहीं समझी। ओह, तो भी चोरी करने की क्या जरूरत थी? किसी से मदद मांग लेते, अरे कोई भी खाना खिला देता। हर आदमी में दया है, सब मदद करते हैं एक दूसरे की। और बच्चे की आंख से ठप ठप आंसू गिरने लगे। बच्चा कहता है, सर सुबह से 15-20 लोगों के पास गया, सबको स्थिति बताने की कोशिश की, कोई बात ही नहीं सुनता। किसी घर की घंटी बजाओ तो दरवाजा पटक के बंद कर देते हैं। सर मजबूरी थी, माँ को दवा लेना था, दवा के साथ कुछ खाने को चाहिए था, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। जज ने कहा, बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा अपराध है, क्षमा के काबिल नहीं है। लोगों ने बोला, आज इसको सजा मिलेगी। दूसरे पक्ष के वकील ने सोचा, आज इसको बड़ी सजा मिलेगी। और जज ने कहा, जिस डिपार्टमेंटल स्टोर ने एक पैकेट ब्रेड खिलाने की जगह, बच्चे की तकलीफ सुनने की जगह अदालत में लाने का निर्णय लिया, उसको $1,000 का जुर्माना कर दो। जिस वकील ने अपने क्लाइंट को समझाने की जगह कि इतनी छोटी सी चैरिटी कर दीजिए, एक बच्चे पे दया दिखाने की जगह इस अदालत में इस केस को लाके बड़ी सजा की मांग कर रहे हो, उस वकील पर मैं $100 का जुर्माना करता हूं। जितने लोगों से ये बच्चा खाना मांगने गया, मैं शर्मशार हूं हम एक बच्चे को खाना नहीं खिला पाए, उन सभी पर मैं $50 का जुर्माना करता हूं। और हम सब जो इस अदालत में बैठ के तालियां बजा रहे हैं, सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, अपने साथ मैं शर्मिंदा हूं। आज मुझे एक ऐसा मुकदमा सुनना पड़ रहा है, मैं एक ऐसे समाज का हिस्सा हूं जो एक बच्चे को खाना नहीं दे सकता। हम सब पे $10 का जुर्माना, और मेरा जुर्माना मैं अभी यहीं भरता हूं। और बच्चे की आंख से आंसू गिरने लगे, लोगों की नजरें शर्म से झुक गई। और जज ने कहा, यही नहीं, जिस कंपनी ने अपनी माँ की सेवा करने के लिए एक दिन की छुट्टी देने की जगह नौकरी से निकालने का निर्णय लिया, उस कंपनी को मैं आज की आज हुक्म देता हूं कि वो तुरंत जॉब पर रखे। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, हमारी संपदा का, अपार संपदा का कोई अर्थ नहीं है यदि हमारे आसपास के लोग भूखे मर रहे हैं तकलीफ में, यदि इसका फायदा उन तक नहीं पहुंचता। आपकी रजिस्ट्री के कागज रद्दी हैं और आपकी बड़ी बड़ी जमीनों के प्लाट आपकी कब्र बनाने के लिए यदि आप लोगों के काम नहीं आ सकते। और एक सवाल है कि कब हमारी न्यायपालिकाएं ऐसा फैसला सुनाएगी? कब हमारी सत्ता में बैठे हुए लोग, कब हमारे अधिकारी, कब हमारे ब्यूरोक्रेट छोटे छोटे लोगों के छोटे छोटे दुखों को समझकर, उनको परेशान करने की जगह, उनको चकर घिन्नी में फंसाने की जगह ऐसे निर्णय लेंगे जिनसे मानवता की बात बाहर आती। सबसे सवाल है, आप 10,000 महीने का कमाते हो, 10 लाख कमाते हो, 10 करोड़ कमाते हो, 100 करोड़ कमाते हो, सबसे सवाल है, क्या आपकी समृद्धि किसी के काम आती है? और यदि नहीं आती, विश्वास कीजिए, आपके जीने का कोई अर्थ नहीं है और भगवान ने गलत आदमी को समृद्ध बना दिया।